सारी दुनिया नूं अन्न देण वाला अन्नदाता। अज दिन रात बेगानियां जूहां बेगानियां सड़कां इक्को ही देश दी नाल लगदी स्टेट विच्चों लंघदियां पुलिस दियां मारां पाणी दियां तेज बुछारां ते सारी रात धक्के तोड़े खा के दिल्ली दे जंतर मंत्र तक पहुंचण दी फिराक विच लगा होया किसान कि साडी गल सरकार तक पहुंचे। सट्टां फेटां खा के भी फरोख दिली दी गल देखो कि जिहड़ी पुलिस दे डंडे खा रहा है उसे पुलिस नूं नाल बिठा के रोटी खवा रहा है ते प्रोटेस्ट भी कर रहा है वह भी शांतिपूर्वक। बेशक मैं सोशल मीडिया के उत्ते ज़्यादा एक्टिव नहीं है पर इसका मतलब नहीं है कि मैं किसानों नाल जुड़िया नहीं। एक लाइन विच कही हुई गल जे किसी दे समझ नहीं आई तो पूरी किताब लिख के भी समझ नहीं आई। प्यारे दोस्तों प्यार भरे सत श्री अकाल। सब तो पहला किसानों नाल जुड़े हुए नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं गुणी ज्ञानी सज्जणां नूं पंजाबी पंजाबीयत दी रूह नूं समझण वाले बुद्धिजीवियां नूं मेरे वालों बहुत आदर ते सत्कार मंजूर होवे। तुहाडे अंदर अपने किसानां दे जोशो जनून नूं देख के इंज लगता है जिवें उद्धम सिंह करतार सिंह राजगुरु सुखदेव भगत सिंह दी रूह पंजाब दे सीने विच इनकलाब बन के तड़क रही होवे। शाबाश है ऐसी सोच दे मालकां। मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं ना कोई जथेबंदी पर मैं हक सच दे लई लिखदा ते गाउंदा आया यही मेरा जाति ते इखलाकी फर्ज है। इस नाचीज गुरदास मान दे पंजाबी होण दी नीयत तबीयत ते शक करन वालियां नूं मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि बेशक मैनूं गालां कढ लैणा पर मेरे हथों मेरे पंजाबी होण दा हक माण सत्कार ना खोण। यही मेरी सारी उम्र की कमाई है यही खाई है ते यही हंडाई। बस एक छोटी जी गल जो गलती नहीं सी मगर गलत बना दी। किसी इंटरव्यू दे विच मैं तो सवाल पूछा गया कि हिंदी भाषा नूं लैके पंजाब विच जो काटो कड़मस चल रहा है इहदे बारे तुहाडा की ख्याल है ते मैं उसके सवाल का जवाब सहज विच देंदिया कहा सी कि एक देश की एक भाषा तो होनी चाहिए ताँ जो उस देश का हर बंदा भावें किसी भी स्टेट का हो आसानी नाल अपने दिल की गल खुल के बेफिक्री नाल सांझी कर सके जो गल कर सके समझ सके और दूसरे नूं समझा सके उसनूं राष्ट्रभाषा कहिंदे ने। पर मेरी गल दा इह मतलब नहीं सी कि पंजाब विचों पंजाबी खत्म कर दी जाए। पंजाबीए तुसीं आप सोचो पंजाबीए जबाने नहीं रकाने मेरे देश की ये लिखण ते गाउण वाला की यह गल कर सकता है। खैर कोई गल नहीं माड़े चंगे दिन हर बंदे नूं देखने पैंदे ने और इम्तिहान हर बंदे दी जिंदगी विच आउंदे ने। अपनी जिंदगी दा पहला टुटिया फुटिया गीत मैं उस वेले लिखिया सी जदों पंजाब दे विच आण आई सी। आण दा मतलब टिड्डी दल आया सी। असीं छोटे छोटे बच्चे अपने प्यो ताए चाचे ते सीरियां नाल पीपे खड़का खड़का के ते रौला पाउंदे होए आण नूं उड़ा रहे सी। उस वेले उस घटना तो प्रेरित होके मेरी कलम दवात वाली कलम चो यह गीत निकलिया सी कि पीपा चक के तुरी किरसाना नरमे नूं खा गई आण। पीपा चक के तुरी किरसाना नरमे नूं खा गई आण। ते हुण दसण लगा मैं अपनी जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस बारे जो 9-10 साल की उम्र विच दित्ती जदों मेरा चाचा मैनूं मोढे ते चुक के भीड़ नूं चीरदे होए मेरे पिंड वाली मंडी की रामलीला की स्टेज ते मैनूं चढ़ा के स्टेज सैकटरी तो इजाजत लैके मेरे गाउण की सिफारिश की ते मैनूं गाउण लई कहा ते मैं कंबदे कंबदे गाया रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पाणी वे जट्टा तेरी जून बुरी वे रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पाणी जट्टा तेरी जून बुरी। उस तो बाद जवान होए बड़े होए और गीतां दी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उस वेले गाया जीण मेरे वतना दियां मावां कर कर जीवन पुत जवान कुड़ियां चिड़ियां तियां पैणा सभे जीवन खुशी मना भागा वाली धरती जीवे धरती दे मजदूर किसान अल्लाह रखे वाहिगुरू बख्शे भली करे सब दी भगवान मेरा देश मेरे दिलदारां दा रिशियां मुनियां अवतारां दा। तुसीं हुण दसो मैं बचपन तो लैके हुण तक किसान नूं कित्थे भुल्ले ते अज मेरे नाल किसानां दे नाल जुड़े होण दे बावजूद भी मेरे उत्ते शंके शुभा पैदा किते जा रहे। कुछ कलाकारां दी कुछ बंदियां दी मैं की दसां
मेरे नाम नू लैके मेरी उम्र नू लैके हाय तबा मची रहिंदी है, हाय मैं मर जा अज तक जिउंदा नचदा गाउंदा यार असी की नचना ते गाउणा यार नचावे तो नचदे आ। पर एक गल दसन लगा, बेशक मैं सोशल मीडिया के उत्ते ज्यादा एक्टिव नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है कि मैं किसानां नाल जुड़िया नहीं। एक लाइन विच कही हुई गल जे किसी दे समझ नहीं आई तो पूरी किताब लिख के भी समझ नहीं आई। गुरु नानक पातशाह जी बाणी दा जिन्हों एक ओंकार समझ नहीं आया उन्हों गुरु ग्रंथ साहब की बाणी समझ नहीं आनी। बहुता बोलने का कोई नफा नहीं, असी नेड़ियों गल मुकामनी है, वारिस शाह मियां गल ओह करिए जिहड़ी कम क्याम ते आउणी। बाकी रही किसानां दे अंदोलन की गल, सारी दुनिया नूं अन्न देण वाला अन्नदाता अज दिन रात बेगानियां जूहां बेगानियां सड़कां इक्को ही देश दी नाल लगदी स्टेट विचों लंघदियां पुलिस दियां मारां पाणी दियां तेज बुछारां ते सारी रात धक्के तोड़े खा के दिल्ली दे जंतर मंत्र तक पहुंचण दी फिराक विच लगा होया किसान कि साडी गल सरकार तक पहुंचे। सट्टां फेटां खा के भी फरोक दिली दी गल देखो कि जिहड़ी पुलिस दे डंडे खा रहा है उसे पुलिस नूं नाल बिठा के रोटी खवा रहा है ते प्रोटेस्ट भी कर रहा वह भी शांतिपूर्वक। किसी उर्दू की शायरा ने कमाल लिखा कि खुद धूप में बैठा है छांव के पेड़ लगाने वाला। ते हुण रही सरकार की गल, मेरी सरकार अगे हथ बन के पुरजोर बेनती है कि जड़े किसान अपने परिवार को छड़ के अपने बच्चों को छड़ के बच्चों वांगू पालियां फसलों को छड़ के दिल्ली दियां सड़कां ते दरबदर पटक रहे ने उन्हां दे मुद्दियां ते गौर किया जाए। बजुर्गों की बजुर्गी नूं मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ किया जाए, उन्हां दी आवाज़ ते फरियाद नूं सुनिया जाए। सरकार तो इंसाफ की उम्मीद रखते हुए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा जो पहले दिन कहा सी, जे किसान है तो हिंदुस्तान है, जे जवान है तो भारत महान है। जय हिंद।